माधुरी दीक्षित की ख्वाहिश अधूरी रह गई, अधूरा रह गया माधुरी का वो सपना जिसे वो साकार करना चाहती थी। माधुरी को नहीं मिल पाई रजनीकांत की फिल्म और ये सब कुछ हुआ माधुरी के डिमांड्स की वजह से। दरअसल माधुरी को रजनीकांत की फिल्म राणा में ऑफर हुआ था उनकी बहन का रोल, लेकिन ये रोल मिसेज नेने को कुछ ज्यादा नहीं जचा। उन्हें नहीं बनना था रजनी की बहन, माधुरी का तो सपना था रजनीकांत की हीरोइन बनना, प्ले करना था राणा में लीड रोल। और इतनी डिमांड्स के बावजूद चाहिए थे वूपिंग 5 करोड़ रुपीज, लेकिन ये सब ना हो पाया और इसी वजह से उन्होंने ठुकरा दी राणा। अब जो रोल ऑलरेडी दीपिका पादुकोण को मिल चुका है उसे भला माधुरी को कैसे दिया जा सकता है। इस वजह से तो बेचारी माधुरी ना तो बहन बन पाई और ना ही रजनी की लव इंटरेस्ट। माधुरी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी फिल्म छोड़ने का यही रीजन बताया। उन्होंने कहा कि ये शायद राइट रोल नहीं था। खबरें हैं कि राणा के मेकर्स दीपिका के नाम से काफी सैटिस्फाइड हैं और उन्हीं के साथ काम करेंगे। वैसे इससे पहले भी माधुरी अनिल कपूर की फिल्म फ्रीकी फ्राइडे के रीमेक को सिर्फ इसलिए ठुकरा चुकी हैं क्योंकि उसमें उन्हें सोनम की माँ बनना था। वेल माधुरी अब आप 43 की हो चुकी हैं और हकीकत का आईना देखती रहें तो आपके फैंस आपको किसी भी रूप में देखना पसंद कर ही लेंगे।